मुंह का जायका कड़वा खट्टा बेजायका। जब मैदे की बीमारी में लोग आते हैं तो ये लाजमी रहता है कि जी मुंह का जायका बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा है। ये कुछ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जी खाने का पता नहीं चल रहा, टेस्ट नहीं आ रहा। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और नंबर तीन, खटास। खटास का मामला बहुत कम पेशेंट्स में आता है, ज़्यादातर मुँह का कड़वा होना और बेजायका होना आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मुंह का जायका आखिर कड़वा क्यों हो जाता है, क्या वजूहातें, होम्योपैथिक मेडिसिन इसकी क्या है। मुंह का जायका जो कड़वा होता है, बेसिकली हमारा जिगर जो बाइल गिराता है, जो खाना हजम करने के लिए, फैट्स को हजम करने के लिए, वो जायका आहिस्ता आहिस्ता जब वो ज़्यादा बाइल ज़्यादा होता जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुँह में आता रहता है। कुछ पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि जी सुबह जब उठते हैं तो उस वक्त मुँह का जायका कड़वा होता है। कुछ कहते हैं कि जी सारा दिन ही हमारे मुंह का जायका कड़वा रहता है। आखिर ऐसी क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये मुसलसल होने लगता है। आजकल हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा कमाने की हविस में, पैसा कमाने की दौड़ में, खाने पीने की चीज़ों में, मिर्च मसालों में, दूसरी सारी चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता हम इखलाकी तौर पर गिरते जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ अलमिया ये होता है कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, चाहे वो मिर्च मसाले हो या दूसरी चीज़ें। और यकीनन बाज़ वक्त अच्छी चीज़ मिलती है और बाज़ वक्त मिलावट वाली मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता जिगर अफेक्टेड होते जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जब उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखी जाती हैं तो फैटी लीवर मौजूद है। और इस वक्त जो ख़तरनाक सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, जो हमारे क्लिनिक पे अमूमन आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि क्रॉनिक डिजीज़, यानी जब मर्ज पेचीदा हो जाता है तो लोग हमारे पास कंसल्ट करते हैं। तो ये देखा गया है कि पित्ते की पथरी ज़्यादा इसमें पेशेंट जो है वो मुब्तला होते जा रहे हैं, और हफ्ते दो हफ्ते में लाजमी एक दो पेशेंट जो है वो पित्ते की पथरी के लिए भी आ रहे हैं। सारा का सारा दारोमदार वहीं पर आ जाता है कि जब जिगर बाइल गिराता है, खाने को फैट्स को हज़म करता है, खाना प्रॉपर हज़म होता है, तो ये सारी कंडीशन नहीं आती। क्यों? कि मुंह का जायका कड़वा होगा, जिगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कारकर्दगी वो नहीं रहेगी, मुंह का जायका बढ़ता जाएगा, फैटी लीवर होगा। फैटी लीवर जाहिर सी बात है कि जब मज़ीद वो उसके अंदर चेंजिंग आ जाएंगी तो वो क्या होगा कि वो खाने को हज़म नहीं कर पाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो पित्ते में भी पथरियाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये सारा एक प्रोसेस है। तो बुनियादी तौर पे हमने बात की कि ग़िज़ा हमारे बहुत ज़्यादा वो जो है हमें डिस्टर्ब कर रही है, अच्छी ग़िज़ाएँ नहीं मिल रही, प्रॉपर ग़िज़ाएँ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये मामला। और फिर ऑयल और घी, देसी घी या सरसों का तेल, या फिर इसके अलावा जैतून का तेल, ये अब हमारी दस्तरस से, आम लोगों की दस्तरस से दूर होता जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जी मुंह का जायका बेजायका आखिर कैसे हो जाता है। हमारा मैदा, हमारे हम जो खाते पीते हैं, इसको हज़म करने के लिए मुख्तलिफ एंजाइम इसके अंदर मिक्सअप होते हैं, और उसके बाद वो छोटी आंत में जाते हैं हज़म होने के प्रोसेस के लिए। मैदा आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से दूसरे ऑर्गन हमारे जो है वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें, इस तरह से मैदे की फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है कि मुंह का अंदर जो जायका है वो पता आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, टेस्टलेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ख़ास तौर पे ये मैदे की ही बीमारी है। वो लोग जो खाना लेट खाते हैं, खाना हैवी ज़्यादा खाते हैं, और ख़ास तौर पर रात को खाना हैवी खाते हैं। अच्छा, हमारे अजीब माहौल बन गया है कि दोपहर में खाना हमें हैवी खाना है क्योंकि हमें रात तक काम करना है, और नाश्ता भी उसी हिसाब से हैवी करना है। उल्टी तरतीब हो गई है, नाश्ता बहुत हल्का करते हैं, दोपहर में कुछ खाते हैं, और रात में जब घर जाते हैं तो डट के खाते हैं। उसके बाद ना एक्सरसाइज है ना वॉक है। क्या हो रहा है कि मैदे का बेड़ा गर्क हो रहा है, जिगर का, आंतों का, सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क हो रहा है। बहरहाल ये तो वो अलमिया है कि जिसको बयान करना से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर किसी को कहा भी जाए, किसी को बताया भी जाए, तो लोग इस पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। सबसे पहले मुंह का जायका जो कड़वा हो जाता है, इसके हवाले से चूंकि ये लीवर का मामला है, लीवर डिस्टर्ब हो जाता है, लीवर बाइल एक्स्ट्रा गिराना शुरू कर देता है,
तो इस हवाले से जो बेहतरीन मेडिसन है वो है चाइना। चाइना की अगर पोटेंसी की बात की जाए तो नॉर्मली ये 30 पोटेंसी में यूज़ होती है। इसके अलावा चेलिडोनियम और कार्डवस, ये अमूमन मदर टिंचर, ये 1x में बेहतरीन रिजल्ट देती है और ये बेस्ट मेडिसन है मुंह के जायका, जो उनका कड़वा हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा लॉन्ग पीरियड इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा लंबे अरसे, महीना, 2 महीने या 3 महीने, और उसके बाद भी अक्सर इस्तेमाल रखना होता है। उसकी बुनियादी वजह यही है, जैसे पहले हमने बात की कि अब हमारी ग़िज़ाएँ उस तरह से नहीं रहीं, ऑर्गेनिक नहीं रहीं। बहरहाल इसके अलावा नेट्रम सल्फ भी 30 पोटेंसी में अमूमन यूज़ की जाती है, वो भी जिगर के लिए और ख़ास तौर पे मुंह का जायका जो कड़वा हो जाता है इसके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा सिम्टम के हवाले से जो पेशेंट आके सिम्टम बताता है उसके हवाले से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर आपको कोई मेडिसिन पूछनी है तो हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मेडिसिन बता दी जाएगी। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है परहेज़। अगर परहेज़ नहीं करते, अपनी लाइफ को सेट नहीं करते तो नामुमकिन वाली बात है। ये बात थोड़ी तल्ख है, थोड़ी कड़वी है, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि हम डेली पेशेंट डील करते हैं। जब उनसे कहा जाता है, समझाया जाता है तो कुछ की समझ में आ जाता है। बेशतर लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, कुछ अरसे के लिए समझ लेते हैं और उसके बाद फिर वही रूटीन होती है। सेकंड मेडिसन होम्योपैथिक की बात की जाएगी कि मुँह का जो बेजायका हो जाता है, जायका नहीं आ रहा होगा, खाना पीने का पता नहीं चल रहा था, इसमें जो मैं अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करता हूँ और जो बहुत ज़्यादा जो रिज़ल्ट भी जिसके आते हैं वो है पल्सटीला। पल्सटीला के सिम्टम की बात की जाए तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, ये इसकी ख़ास सिम्टम है। सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल के माहौल के हवाले से मैं इन दो अलामत को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो देता हूँ, और मेजॉरिटी के साथ यही प्रॉब्लम है। बाकी सारी सानवी रह जाती हैं, लेकिन ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। पल्सटीला के अलावा जो सेकंड मेडिसन वो है सालेशिया। ये दो ऐसी दवाएं हैं कि ये बेहतरीन रिजल्ट देती हैं, बेहतरीन, और मेजॉरिटी केसेस में तकरीबन यही काम आती हैं। अलामात के हवाले से कार्बोवेज, इसके अलावा एंटेम्पुरुडम, इसके अलावा आइजरसवर्स, इसके अलावा नेट्रम्फॉस, ये सारी वो दवाएँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस पर रिज़ल्ट देती हैं। लेकिन ये दो दवाएं बताई, ये मेरे अपने क्लिनिक का ज़ाती एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गए बाकायदा क्लिनिक पे पेशेंट्स को देखते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। बहरहाल अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, कोई कमेंट, कोई किसी हवाले से मशवरा करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट का भले फौरी जवाब ना दी जाए, लेकिन आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा। जजाकल्लाह।